want justice. We want justice. We want justice. Waiting list जरूरी है. Waiting list जरूरी है. Youth की मजबूरी है. Waiting list जरूरी है. मेरा नाम अंकुश शर्मा है. हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए. हम एक महीने से ज़्यादा हो गया हमें प्रोटेस्ट करते हुए. अलग अलग डिस्ट्रिक्स में हम छोटी छोटी जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं. कश्मीर में भी हमारे कुछ बच्चे थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट उनको करने नहीं दिया गया, उनको भगा दिया गया वहाँ से. मीडिया बाइट्स तक नहीं देने दी. और हमें समझ नहीं आ रही ये क्यों नहीं रिवाइव की जा रही है. कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. अगर किस गवर्नमेंट को या एलजी सर को लगता है कि ये बच्चे गलत हैं, एटलीस्ट आप ट्वीट कीजिए, आप वीडियो कीजिए, आप प्रेस में बताइए, आप अखबार में छुपाइए कि बच्चे गलत हैं कहाँ पे. अगर उनको लगता है कि हम गलत हैं, हमारी मांगें जेन्युइन है ये बात वो भी जानते हैं. मल्टीपल बीजेपी के लीडर से हम मिले हैं, वो भी ये कहते हैं आपका मुद्दा जेन्युइन है. हमें आपकी बातों से दर्द होता है. हमें दिल में लगता है कि हमारे बच्चे ठंड में घूम रहे हैं, बच्चियाँ घूम रही हैं, मगर इस पर कुछ किया नहीं जाता. तो उसका फ़ायदा क्या, उस दर्द का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. अब एक एक बच्चा पाँच पाँच छः छः जगह ज्वाइन नहीं कर पाएगा, सारी सारी पोस्ट खाली रह जाएंगी, उसका फ़ायदा क्या है. तो साथ में हम पाँच पाँच साल हो गए, हम हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हैं. हमने पहले किसी और एग्ज़ाम की तैयारी की. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कल को किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वहाँ भी हम सिलेक्ट हो जाएंगे. क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है ये कोई डेफिनेट नहीं होता कि जो बच्चा एक बार सिलेक्ट हुआ है वो फिर से सिलेक्ट होगा. क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, बंदे की तब मेंटल स्टेट डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हर टाइम इंसान घर बैठ के प्रिपरेशन भी नहीं कर पाता, उसको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है. तो अगर कोई मेरिट में आया है, आपने पोस्ट निकाली, उनको आप फिल नहीं कर पाए. कुछ ऐसी छोटी छोटी रिक्रूटमेंट्स हैं जो पूरी की पूरी खाली हो जा रही. बच्चों ने फॉर्म भरा, फीस दी, बाद में वो पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट ही खाली हो गई. तो उसका फ़ायदा क्या है. आपने फॉर्म भरवाया, आपने बच्चों से पैसे लिए, चार साल वेट करवाया कि हाँ जी आपका पेपर होगा, वो वेट करते रहे कि इस डिपार्टमेंट में हम ज्वाइन करेंगे इस पोस्ट पर, मगर बच्चे नहीं कर पाए. क्योंकि आपने ये कानून निकाल दिया कि अगर एक बार बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा जाएगा वो ज्वाइन करे. जिसने एक दिन भी नौकरी नहीं की किसी डिपार्टमेंट में, वो कहाँ का सिलेक्ट हो गया, मुझे ये समझ नहीं आती है. हमारी ये डिमांड है जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए और बच्चों को मौका दिया जाए नौकरी करने का. ये हम अकेले परेशान नहीं, हमारा परिवार परेशान है. हमने 6 तारीख तक बोले था, हमें लगा था एलजी सर हमें नए साल पर ये कर देंगे, बट अभी तक नहीं हुआ. हमें समझ नहीं आ रही क्यों नहीं हुआ. एटलीस्ट वो एक प्रेस वो दें, हम प्रेस स्टेटमेंट दें कि वेटिंग लिस्ट के मुद्दे पे हमें बताएं कि क्या है, कब तक हो जाएगी कि बच्चे संतुष्ट हो जाए. शुक्रिया जी. मेरा नाम याशिका महाजन है और हम यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं. हम यही चाहते हैं कि JKSSB ने जो वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया जो है उसको ख़त्म कर दिया है, जिस वजह से यूथ जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है. पर JKSSB ये नहीं समझ पा रहे कि उनका वेटिंग लिस्ट हटाने से जो है यूथ जो है वो इतना सफ़र कर रहा है, तो यूथ जो है अनएम्प्लॉयड रह रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है. तो हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए यही कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट से, एलजी सर से यही कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने वेटिंग लिस्ट हटाया है उसे दोबारा से रिवाइव किया जाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे ख़त्म किया जाए. क्योंकि बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और फिर बाद में वेटिंग लिस्ट ही हट जाती है, तो जिस वजह से उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है. इसलिए हम चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट को दोबारा से रिज्यूम किया जाए.